नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर गायत्री नामदेव का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस ऑडियो में वे एक मेडिकल स्टोर संचालक से पैसे की मांग करती सुनाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर गायत्री नामदेव द्वारा किसी खास मेडिकल स्टोर में मरीजों को भेजकर वहां से दवाएं दिलाई जाती हैं और उसके बाद उसका कमीशन हर माह उनके घर आता है। इस बार कमीशन लेट आने पर डॉक्टर गायत्री नामदेव ने मेडिकल स्टोर संचालक को फोन किया और उसने ये फोन टेप कर लिया। इसके बाद ये ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जैसे इस बात की खबर CMHO को पहुंची, CMHO डॉक्टर VS वाजपेयी से हमने बात की। उनका कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर इस मामले में जांच की जा रही है। ये जो है मेरी संज्ञान में भी जो है डॉक्टर गायत्री नामदेव से संबंधित एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इसके एक दिन के अंदर परीक्षण कर प्रतिवेदित करने हेतु आदेशित किया गया है। तो मैं जो है इसका परीक्षण करके इसकी वस्तुस्थिति से अवगत माननीय कलेक्टर महोदय को करा दूंगा और उसके माध्यम से जो भी संज्ञान में आएगी जानकारी उसके हिसाब से, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं तो उसी अनुसार तदनुसार उनके विरुद्ध यदि आपराधिक प्रकरण कोई बनता है या कोई सिविल सेवा वर्गीकरण नियम के अंदर कोई जो है अनियमितता पाई जाती है तो वरिष्ठ अधिकारी को इसे सूचित किया जाए। वहीं मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि वो लोकायुक्त तक ये शिकायत करेगा। ये मैं मेडिकल खोले हूँ रवि मेडिकल के नाम से। डॉक्टर गायत्री नामदेव जो सरकारी डॉक्टर हैं, जिला अस्पताल छतरपुर पदस्थ है, ये मुझसे हाई फाई कमीशन मांगा करती थी। पहले 20,000 रुपये मांगती थी, फिर 25,000 रुपये मांगा करती थी। इनकी कमीशन के चक्कर में मेरा लेन देन बिगड़ गया है, जिससे मेरी उधारी बहुत ज़्यादा हुई थी। मैंने अपनी बुलेरो गाड़ी बेच के इन्हीं के चक्कर में, गायत्री नामदेव के चक्कर में बुलेरो गाड़ी बेची है अपनी, मार्केट के पैसा चुकाया है। इन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे 5,000 रुपये प्रेजेंट टाइम में चाहिए। जो ऑडियो मैंने वायरल किया उसमें इन्होंने पहले ये कहा कि मुझे 5,000 रुपये अभी चाहिए, वरना पर्चे आपको नहीं दूंगी। इस कारण उन्होंने मेरा मेडिकल बंद करवा दिया है। मैंने इनके चक्कर में बुलेरो लिया है, गाड़ी बेची है, मेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा गई है, मुझे मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर किया इन्होंने। हालांकि इस मामले में जब डॉक्टर गायत्री नामदेव से बात की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि उन्होंने उधार पैसे दिए थे और वो वही पैसे वापस मांग रही हैं। लेकिन आप गौर से इस ऑडियो को सुनिए, जिसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि इस महीने के पैसे नहीं आए हैं। तो इस तरीके से और वो बार बार मिन्नतें करने के बाद दुकान बंद करने और दुकान बंद होने का हवाला दे रहा है और बाद में फिर ये कहा जा रहा है कि फिर मरीज भेजना वहां पर बंद कर दें। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मामला उधार के पैसों का है या फिर कमीशन खोरी का। उसने मुझसे लिए थे, वो आया बोलता है कि बहुत जरूरी काम है घर में पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे आप दे दीजिए। तो एक पड़ोसी के नाते और एक हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति, मैंने दे दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि देगा नहीं है, देने में नाना कानी करेगा। फिर जब उससे मंगाया तो आंटी पैसे नहीं है, ठीक। मैंने कह दिया बेटा दे दो, कुछ दिन के अंतर पे दे दो, ठीक है। अब अपना इतना रहता है कि ठीक है थोड़ा लेट मिल जाएगा, उसका काम हो जाए तो वो काम कर ले उसका, ऐसा ना हो कि पैसे कारण उसका काम रुक जाए। तो हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, दे देना एक महीने नहीं तो दूसरे महीने में दे देना, तीसरे महीने में दे देना, पूरा कर दो तुम मेरा पैसा। तो इस तरह का मेरा एटीट्यूड था। अब उसने मेरे साथ इतनी, मतलब उसने रिकॉर्डिंग किस उद्देश्य से की, अब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसने कैसे क्यों रिकॉर्डिंग किया इस चीज़ को, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो कभी भी उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने का नहीं था। मैंने उसकी हमेशा हेल्प की और मैं चाहती थी कि उसकी मेडिकल शॉप पर बढ़े, मेरे मरीज उसके पास जाएँ, उसको कम से कम अपने घर चलाने के लिए खर्च मिल सके। उसके फादर नहीं है, वो अकेला है, अभी बहुत ज़्यादा उम्र का भी नहीं है, बच्चा है वो, है ना। तो मेरा तो उद्देश्य यही था। अब उसने इस तरह का उसका एटीट्यूड होगा, मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।